हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर की बेस्ट फंड्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि वो कौन से तीन फंड हैं जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी छोटी छोटी डिटेल्स हम देखेंगे, जैसे कि उसने किन कंपनीज में पैसा लगाया हुआ है, कैसी रिटर्न्स दी हैं, ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में अभी देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बारी बता देता हूँ कि टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड्स कौन से होते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड्स दोस्तों वो फंड्स होते हैं जो पर्टिकुलरली अपना जो मेजर पैसा है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही लगाते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपकी मेजर कंपनीज जैसे कि इंफोसिस, टीसीएस, ऐसी कंपनीज कवर होती हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं डिटेल में कि कौन से वो टॉप थ्री फंड्स हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में उम्मीद है कि ये फंड्स आगे भी अच्छा करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फंड जिस पे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। तो ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है और इसका जो अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 1800 करोड़ से ज़्यादा का अभी चल रहा है। और इसकी अगर मैं आपको एक्सपेंस रेशियो पे यहाँ पर बात करता हूँ तो इसकी एक्सपेंस रेशियो अभी 1.41% की चल रही है। अब आइए दोस्तों इसकी रिस्क रेशियोज देख लेते हैं एक बारी। तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो चल रही है वो 22.53 चल रही है, वहीं शार्प रेशियो इसकी 1.09 है और टर्नर रेशियो इसकी 0.29 अभी चल रही है। तो दोस्तों जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक फंड का ये बताता है कि वो कितना वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, यानी कि उसकी जो रिटर्न है वो कितनी कंसिस्टेंट है। और इसकी जो अभी रिटर्न हमें दिख रही है वो थोड़ी हायर साइड पे दिख रही है, यानी कि वॉलेटिलिटी इस फंड में थोड़ी ज्यादा रहती है। वहीं शार्प रेशियो और टर्नर रेशियो हमें बताता है कि एक फंड बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसी देता है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न कैसी देता है। तो उस मामले में ये फंड अच्छा दिख रहा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ये फंड मेजरली किन सेक्टर्स की कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। तो लार्ज कैप कंपनीज में ये 54% पैसा लगा रहा है, वहीं मिड कैप कंपनीज में 19% और स्मॉल कैप कंपनीज में 21%। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो सेक्टोरल फंड होते हैं उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में कितना परसेंट पैसा लगाएं। तो यहाँ पर इस फंड ने फिर भी लार्ज कैप कंपनीज में अपना मेजर पैसा लगाया हुआ है। और अगर हम सेक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगाया हुआ है 70% के आसपास, वहीं सर्विस सेक्टर में इसने 16.5% पैसा लगाया हुआ है। तो मेजर पैसा इसने इन दो सेक्टर्स में लगाया हुआ है, वहीं कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग और अदर सेक्टर में भी इसने थोड़ा बहुत पैसा अपना लगाया हुआ है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने मेजर किन कंपनीज में अपना पैसा लगाया है। तो अगर मैं यहाँ पर कंपनीज पे बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा पैसा इस फंड ने इन्फोसिस में लगाया हुआ है, लगभग 22% के आसपास। वहीं टीसीएस और एचसीएल जैसी कंपनीज में 7% के आसपास जहाँ पैसा दिख रहा है, उसी तरह टेक महिंद्रा में भी 7% पैसा है। और उसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम, सीएंट लिमिटेड, विप्रो, नेट टेक्नोलॉजी, भारतीय एयरटेल और आईआरसीटीसी जैसी कंपनीज इसकी टॉप 10 कंपनीज में शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे जो देखकर पता चल रहा है कि सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय एयरटेल और आईआरसीटीसी जैसी कंपनीज इसके टॉप 10 में है। उसके अलावा जो मेजर कंपनीज हैं ये सारी टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की ही कंपनीज दिख रही हैं। और दोस्तों अगर मैं इसके फंड की एक साल के पोर्टफोलियो की बात करूँ ना, तो टीसीएस में इसने अपना एलोकेशन अभी धीरे धीरे बढ़ा के 7.5% कर लिया है। वहीं इन्फोसिस में जहां इसका एलोकेशन 30-40% हुआ करता था, वहां से ये गिर के 21% के आसपास आ गया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसने रिटर्न कैसे दी है। तो अगर हम रिटर्न पे बात करें आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे, तो अगर आपने 10,000 रुपये इस फंड में लगाए होते एक साल पहले तो वो 10,000 रुपये आपके 24,000 रुपये हो गए, यानी कि 140% से ज़्यादा के रिटर्न इस फंड ने आपको दे दिए एक साल के अंदर। वहीं 2 सालों में इस फंड ने आपका लगाया हुआ 10,000 रुपये 19,000 कर दिया है और 3 सालों में 21,000। वहीं अगर हम 5 सालों में देखते हैं तो अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपये लगा दिए होते तो वो पैसा आपका 27,000 रुपये से ज़्यादा हो गया, यानी कि 170% से भी ज़्यादा की रिटर्न। वहीं दोस्तों अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में आज से 8 साल पहले सिर्फ 10,000 रुपये लगा दिए होते तो वो पैसा आपका 60,000 रुपये से ज़्यादा हो गया है, यानी कि 8 सालों में इसने टोटल 500% की रिटर्न दी है।
बहुत ही अच्छी रिटर्न्स है, टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत ही अच्छा कर रहा है अभी, और वो इस फंड की परफॉर्मेंस में भी आप देख सकते हैं। अब आइए दोस्तों दूसरा फंड यहाँ पर हम देख लेते हैं। दूसरा फंड जो यहाँ पर मुझे अच्छा लगता है वो है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। ये भी एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है, और अगर मैं इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो 1100 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी चल रहा है। और अगर एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो इसकी एक्सपेंस रेशियो आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड से काफ़ी कम है। इसकी एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.94% चल रही है, वहीं आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड की जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1.41% हमने अभी देखी थी। अब आइए दोस्तों इसके भी मैं एक बार ही रिस्क देख लेते हैं कैसा है रिस्क रेशियोज इसका। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 21.95 चल रहा है, वहीं शार्प रेशियो इसका 1.11 है, और टर्नर रेशियो इसका 0.28 चल रहा है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन इसका बेटर है अगर हम आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी से कंपेयर करते हैं, वहीं शार्प रेशियो और टर्नर रेशियो इसकी लगभग सेम दिख रही है। यानी कि ये फंड जो है वो कम वॉलेटाइल है रिटर्न के मामले में अगर हम आईसीआईसी प्रूडेंशियल से यहाँ पर इसे कंपेयर करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने भी मेजर किन कंपनीज में पैसा लगाया है। तो लार्ज कैप कंपनीज में इसने 63% पैसा लगाया हुआ है, वहीं मिड कैप कंपनीज में 20% और स्मॉल कैप कंपनीज में 13% पैसा लगाया हुआ है। वहीं हमने जब आईसीआईसी प्रूडेंशियल देखा था वो लार्ज कैप कंपनीज में 54% पैसा लगाया हुआ था। तो यानी इसने जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उसमें ज़्यादा एलोकेशन अपनी की हुई है। अब आइए दोस्तों सेक्टर अगर हम बात करते हैं तो इसने भी सबसे ज़्यादा पैसा ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही लगाया हुआ है 81%। उसके अलावा सर्विस सेक्टर में 9.5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है, और उसके अलावा ये इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन और कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे सेक्टर्स में भी इसने 2-4% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसने किन कंपनीज में अपना मेजर पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों इस फंड ने भी सबसे ज़्यादा पैसा अपना इंफोसिस में ही लगाया हुआ है 23% के आसपास, वहीं टीसीएस में इसने 11.5% लगाया हुआ है, और एचसीएल टेक में इसने 9% के आसपास लगाया हुआ है। तो दोस्तों इसकी भी जो टॉप की अगर हम दो कंपनीज देखते हैं तो वो बिल्कुल सेम यहां पर दिख रही है। वहीं इसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम्स, टेक महिंद्रा, विप्रो, माइंडट्री, KPIT टेक, इन्फो एज यानी कि आपका Naukri.com, सीएंड लिमिटेड जैसी कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में अगर हम टॉप 10 कंपनीज देखते हैं तो शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर यही दिख रहा है हमें इसमें भी कि मेजर जो कंपनीज हैं वो टेक्नोलॉजी कंपनीज ही हैं यहाँ पर, जो हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने हमें रिटर्न कैसे दिया अगर हमने वन टाइम पैसा लगाया होता। तो दोस्तों अगर हम इस फंड में 10,000 रुपये से बात करें तो इस फंड ने आपका एक साल में 10,000 रुपये लगाया हुआ 22,000 रुपये कर दिया है, यानी कि 122% की रिटर्न। वहीं अगर हमने ये इस फंड में 2 साल पहले पैसा लगाया होता तो वही 10,000 रुपये आपके 18,000 रुपये हो गए हैं, यानी कि 2 सालों में इसने 81% की रिटर्न दी है और 3 सालों में 21,000 रुपये बना दिया है। वहीं अगर हम 5 साल में देखते हैं तो 5 साल में इस फंड ने आपका जो पैसा है वो 27,000 रुपये से ज़्यादा का कर दिया है, लगभग 280% ये पैसा इसने बना दिया है आपका। और 8 साल में यहाँ पर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं सिंस जो टाटा डिजिटल इंडिया का फंड है ये रिसेंटली लॉन्च्ड है, ये 2015 में ही लॉन्च हुआ था। तो इस फंड ने भी दोस्तों रिटर्न अच्छी दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसकी जो रिस्क रेशोज और एक्सपेंस रेशोज हैं वो आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड से अच्छी यहाँ पर मुझे दिख रही है। अब आइए दोस्तों हम अपना तीसरा और आखिरी फंड देख लेते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में। तो तीसरा फंड जो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ वो है आदित्य बिरला सन लाइफ का डिजिटल इंडिया फंड। इसका जो अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 1100 करोड़ से भी ज़्यादा का चल रहा है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग तीनों ही फंड्स का सेम ही है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का यहाँ पर ज़्यादा है थोड़ा। और अगर मैं एक्सपेंस रेशो पे यहाँ पर बात करता हूँ तो इसकी एक्सपेंस रेशो जो अभी चल रही है वो 1.28% की चल रही है। तो इसकी जो एक्सपेंस रेशो है वो टाटा डिजिटल के जो फंड है उससे थोड़ी ज़्यादा है, वहीं आईसीआईसी प्रूडेंशियल से इसकी एक्सपेंस रेशो यहाँ पर अच्छी दिख रही है। अब अगर हम इस फंड की भी रिस्क रेशियोज यहाँ पर देख लेते हैं तो इस फंड की जो स्टैंडर्ड डेविएशन चल रहा है वो 20.35 चल रहा है, वहीं शार्प रेशियो इसका 1.14 है, और टर्नर रेशियो इसका 0.28 चल रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका पिछले दोनों फंड से बेटर है, यानी कि ये फंड की जो कंसिस्टेंसी है वो पिछले दो फंड से बेटर है। वहीं शार्प रेशियो भी इसकी बेटर दिख रही है, यानी कि ये रिस्क एडजस्टेड जो रिटर्न दे रहा है वो बाकी दोनों फंड से अच्छी दे रहा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मार्केट कैप के हिसाब से इसने कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर हम मार्केट कैप में यहाँ पर बात करते हैं
तो इसने भी सबसे ज़्यादा पैसा अपना लार्ज कैप कंपनीज में ही लगाया हुआ है 60% के आसपास, वहीं मिड कैप कंपनीज में इसने 12% और स्मॉल कैप कंपनीज का इसका एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, लगभग 24% के आसपास इसने स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगाया हुआ है। वहीं अगर हम सेक्टर्स पे एक बारी बात कर लें तो इसने टेक्नोलॉजी सेक्टर में 72% पैसा लगाया हुआ है, वहीं सर्विस सेक्टर में 11% और कम्युनिकेशन सेक्टर में 7% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं इंजीनियरिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे सेक्टर्स भी इसके पोर्टफोलियो में यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने मेजर किन कंपनीज में अपना पैसा लगाया हुआ है। अब अगर हम कंपनीज पे यहाँ पर बात करते हैं तो इस फंड ने भी सबसे ज़्यादा पैसा अपना इन्फोसिस में ही लगाया हुआ है 21% के आसपास और TCS में 10% के आसपास। वहीं टेक महिंद्रा में और HCL टेक में भी इसने 8.5% और 7% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जस्ट डायल, भारतीय एयरटेल, सीएंट लिमिटेड, हनीवेल ऑटोमेशन, प्रसिस्टेंट सिस्टम और फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन जैसी कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर की जो मेजर कंपनीज हैं वो इन तीनों ही फंड्स में सेम है। फर्क थोड़ा बहुत सर्विस सेक्टर की कंपनीज में यहाँ पर हमें दिख रहा है। इन्फोसिस तीनों के ही फंड में सबसे ज़्यादा एलोकेशन रखता है और TCS भी सबसे सेकेंड नंबर पर एलोकेशन यहाँ पर रख रहा है। अब आइए दोस्तों इस फंड का भी एक बारी हम रिटर्न देख लेते हैं कि इसने कैसा रिटर्न दिया है। तो अगर हमने वन टाइम इन्वेस्टमेंट पर बात करते हैं 10,000 रुपये से, तो इस फंड ने भी आपका एक साल में जो पैसा है वो 120% कर दिया, यानी कि लगाए हुए आपके 10,000 रुपये सिर्फ एक साल में इस फंड ने 22,000 रुपये कर दिए हैं। वहीं 2 और 3 साल में इसने थोड़ा सा कम रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम 5 साल में देखते हैं तो 5 साल में इसने आपके 10,000 रुपये को 29,000 रुपये के आसपास बना दिया, यानी कि 190% से ज़्यादा की रिटर्न यहाँ पर हमें दिख रही है। वहीं अगर आपने इस फंड की भी इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में ही पैसे लगा दिए होते ये 10,000 रुपये, तो ये आपके 10,000 रुपये इसने 58,000 रुपये कर दिए हैं। तो दोस्तों रिटर्न के मामले में तीनों ही फंड्स अच्छे हैं, तीनों ही फंड्स ने बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए, इसका कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप इसमें तभी इन्वेस्ट करें अगर आपका रिस्क जो है वो हाई है, क्योंकि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के फंड पे बेट करते हो तो अगर वो सेक्टर अच्छा नहीं करेगा तो आपका फंड बिल्कुल रिटर्न नहीं देगा, नेगेटिव भी देगा, और अगर अच्छा करेगा तो ऐसी बहुत ही शानदार रिटर्न्स भी आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको अपने रिस्क के हिसाब से ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा करने वाला है यहाँ पर, जो मुझे दिख रहा है। अब आइए दोस्तों एक बार हम ये देख लेते हैं कि इन फंड्स का कॉमन कितना पोर्टफोलियो का एलोकेशन है, ताकि अगर आप में से कोई इस डाउट में हो कि वो इन तीनों में से कोई एक या दो फंड्स ऐड कर सकते हैं, तो हम उस कंफ्यूजन को यहाँ पर दूर कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इन फंड्स की एलोकेशन पे, तो सबसे पहले अगर हम ICICI प्रूडेंशियल की हम पोर्टफोलियो देखें तो इसके पोर्टफोलियो में 36 कंपनियाँ हैं और उसमें से 90% जो कंपनीज हैं वो टाटा डिजिटल इंडिया में भी सेम है और आदित्य बिरला सन लाइफ में भी सेम है। और वहीं अगर हम आदित्य बिरला पे यहाँ पर बात करें तो आदित्य बिरला की पोर्टफोलियो में 30 कंपनीज हैं और इनका जो एलोकेशन है वो भी ICICI प्रूडेंशियल और टाटा डिजिटल में 80-90% के आसपास है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी यहाँ पर कि कोई एक फंड ही आपको ऐड करना सफिशिएंट है, 2 या 3 फंड इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऐड करने का आपको कोई यहाँ पर बेनिफिट नहीं होगा। और अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करें, अगर आपको रिस्क कम लेना है तो आप लार्ज कैप या नॉर्मली जो आपके सेक्टर एलोकेशन से अलावा जो फंड्स हैं उनमें आप इन्वेस्ट करें। मेरी तरफ से दोस्तों आज इस फंड पर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। धन्यवाद।